टोटल 10 इन्फो पे आपका स्वागत है। आज हम बताते हैं ऑनलाइन IRCTC पे टिकट कैसे बुक करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल ब्राउज़र है उसको ओपन करेंगे। जैसे हम यहाँ पर मोज़िला ओपन कर रहे हैं। इसके बाद एड्रेस बार में IRCTC स्क्रीन पे सर्च बॉक्स आएगा, इसमें आप फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन और साथ में डेट ऑफ जर्नी सिलेक्ट करेंगे। इसमें क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हैं या सारी क्लास एक साथ में सर्च कर सकते हैं। यदि किसी क्लास का यूज़ करेंगे तो उसी क्लास से रिलेटेड ट्रेन की लिस्ट आएगी। हमने और क्लास सिलेक्ट किया, इसके बाद कोटा सिलेक्ट करना होता है, वही भी कोटा सिलेक्ट किया। उसके बाद कंसेशन से सर्च पर क्लिक किया। सर्च पर क्लिक करने के बाद में आपको उन दोनों स्टेशन के बीच की सभी ट्रेनों की लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगी, क्योंकि हमने जनरल सेलेक्ट किया था इसलिए ऑल क्लासेस यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। हमें जिस क्लास में आपको बुकिंग करना हो उस पर क्लिक कीजिए और इसके नीचे क्या कंडीशंस है, क्या वेटिंग चल रही है, वो सब कुछ आ जाएगा। हमने क्लिक किया, इसकी वेटिंग दो है। स्लीपर क्लिक करने पर बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड, यदि यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद कैप्चा एंटर करेंगे, कैप्चा के बाद में साइन इन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद में ये यहाँ पे ट्रेन पैसेंजर की लिस्ट डालना है। सबसे पहले पैसेंजर का नाम, उसके बाद उसकी एज, उसके बाद उसका जेंडर, इंडियन है नॉन इंडियन है वो सिलेक्ट करना होगा, और प्रेफरेंस है जो आपको प्रेफरेंस देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड आपको दिखाई देगा, साथ में आप मोबाइल नंबर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। कंसीडर पर क्लिक करने के बाद में यदि स्लीपर में नहीं मिलती है तो आपको ऑटोमेटिक थर्ड एसी सेकंड एसी में मूव कर दिया जाएगा। साथ में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपका करंट कोटा दिखा देगा, सॉरी करंट पोजीशन दिखा देगा कि क्या पोजीशन चल रही है अभी। यहाँ पे एक बार कैप्चा फिर एंटर करेंगे और कैप्चा पे एंटर करने के बाद कंटिन्यू। यहाँ पे पेमेंट गेटवे आपको सिलेक्ट करना है। बहुत सारे गेटवेज हैं, गेटवे के अकॉर्डिंग कमीशन अलग अलग होते हैं, तो आपको जो सही लगता है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे पेमेंट गेट मेथड्स डिस्प्ले होंगे। जिस मेथड को आपके पास ऑप्शन है सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके पास कार्ड है आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट किया। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड का नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद एक्सपायरी मंथ ईयर एंड CVV नंबर, साथ में नेम ऑन द कार्ड। नेम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज बैंक इसको रिजेक्ट कर देता है। पे नाउ, यहाँ पर OTP डालेंगे। OTP यदि आपको मोबाइल में आया होगा आप यहाँ पर OTP एंटर करेंगे। OTP एंटर करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपकी ट्रांजेक्शन इस प्रोसेस में आपके टिकट बुक हो गए। यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं चाहे तो, ये PNR से आप फ्यूचर में चेक कर सकते हैं क्या कंडीशन है ट्रेन की। यू कैंसिलेशन पॉलिसी में आप सारी कैंसिलेशन पॉलिसी रखते हैं। माई अकाउंट में माई ट्रांजेक्शन जाके आप लो
यदि आप चैनल पर नए आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।